Hello everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscribers, thank you so much for coming back. So आज हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ा है इस ग्रहण का. एंड बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम लव रीडिंग लेकर आई है. सो वी विल सी वॉट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर आफ्टर दिस इक्लिप्स एंड वट आर देयर एक्शंस. और भी मैं गाइडेंस देखूंगी आपको क्या ज़रूरत है इसके बाद करने की, जिससे कि आप अपना रिलेशनशिप और अच्छा कर सके. एंड ऑफकोर्स इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग, तो जहां आप कनेक्ट होते हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं किसी न किसी वजह से, तो ये रीडिंग भी आपके लिए है और ये गाइडेंस भी आपके लिए है. ओके, सो ये बहुत ही कलेक्टिव वीडियो है, सभी जॉडिक साइन के लिए है. ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर इन साइंस के लिए है. तो जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है ये सभी के लिए है. ओके, सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर. फर्स्ट हम इस डेक से देखेंगे व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर आफ्टर दिस इक्लिप्स. व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर. सो जिन भी लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि जो ये रीडिंग्स हैं आपको और रेजोनेट करें एंड आप इस एनर्जी वेब का हिस्सा बन सके. एंड ऑफकोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज एनी एनर्जाइज क्रिस्टल्स जो आपके लिए काम करे, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द गिवन नंबर विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और किसी भी तरीके की पेड कंसल्टेशन के लिए आप उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नेम करेक्शन, सिग्नेचर, एनीथिंग. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर आफ्टर दिस इक्लिप्स. एंजल्स प्लीज गाइड करें व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर. जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग आफ्टर दिस इक्लिप्स क्या है. ओके, थैंक यू. लेट्स सी दिस वन. ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड. ब्यूटीफुल. ओके, सो आफ्टर दिस इक्लिप्स जो उनकी करंट फीलिंग चल रही है, तो पहले तो मैं बता दूं उनकी फीलिंग चल रही है हार्मनी. किस तरीके से समझौता किया जाए, किस तरीके से आपके पास आया जाए, किस तरीके से यूनियन किया जाए, वो इस तरीके से सोच रहे हैं. नंबर 6, नंबर 4, नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 6, 24, 33, 4, 13, यू नो ये नंबर्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट 6 days, 6 weeks or 6 months मैक्स टू मैक्स आपको आपका पार्टनर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए विद इन 6 hours दे विल कॉन्टैक्ट यू. दे वॉन्ट यू टू कम बैक, दे वॉन्ट टू बी विद यू. और प्यार ही प्यार, मतलब दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड टू बी ऑनेस्ट. कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है. एंड हार्ट चक्र जब ओपन अप होता है या फिर हार्ट चक्र जब हील होता है, देन वी आर ओनली एंड ओनली ओपन टू रिसीव लव, राइट. और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, दे आर रेडी टू शेयर दैट लव एंड ब्यूटिफुल. एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे फर्म फाउंडेशन बनती हुई नज़र आ रही है. जैसे कि कोई इंसान शादी किस तरीके से हम अब इन चीज़ों को आगे लेके जाए, अ फर्म फाउंडेशन बनाए. आपके रिलेशनशिप में लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम रही हो, जिस भी फाउंडेशन पे ये रिलेशनशिप था, या फिर मैं कहूँ कोई फाउंडेशन वीक हो गई थी, या फिर ऐसा लग रहा है कि इंसान दोबारा से उस फाउंडेशन को बनाएगा, दोबारा से उसे स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है. ये सब प्लानिंग उनके माइंड में चल रही है. एंड सी बॉटम कार्ड भी पेशेंस एंड प्लानिंग आया है. कहीं ना कहीं वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से आपके पास वापस आ सकते हैं, कैसे जुगाड़ करके वो आप तक पहुंच सकते हैं. सी विक्ट्री. ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट डेफिनेटली वो उन्हें ओवरकम करेंगे. ओके, तो एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव लग रही है. लेट्स सी हम टैरो से भी देखेंगे व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर.
माय गॉड, इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग. प्लीज क्लेम करिएगा, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिएगा और जितना हो सके इसे शेयर करिएगा. ओके, हमें लगता है हम शेयर क्यों करें, जब हम शेयर करते हैं हम हार्ट चक्रा ओपन अप कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स अ फ्रिक्वेंसी टू रिसीव एंड टू गिव लव. ओके, लेट्स सी वट इज द करंट फीलिंग. ओ माई गॉश, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं ना कुछ. ओ माई गॉड, फर्स्ट कार्ड भी आप सभी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग आया है. लेट मी पिक दोज कार्ड्स. ओके, मैं दोनों कार्ड लूंगी. गाइज, आई डोंट नो, सी माई एनर्जी इज ऑल्सो वेरी शिफ्टिंग, वेरी एनर्जी बहुत चेंज. आई एम फीलिंग वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी लव, जिसे कहते हैं ना एकदम फायर आ गई है, जैसे ब्यूटिफुल. ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल कार्ड. मैं मून का कार्ड आ गया, तो और क्या चाहिए. चैरियट, सी चैरियट का कार्ड अपने आप में ही मूवमेंट का कार्ड होता है. ऐसा लग रहा है कि अब तो या तो वो आपसे मिलने आएंगे या आप उनसे मिलने जाएंगे. चैरियट का कार्ड ये कह रहा है कि आगे बढ़ेगा अभी आपका जो रिलेशनशिप है, इसके अंदर दोबारा से वो बचपना, जो वो प्यार है था, जो वो एक मासूमियत थी इस रिलेशनशिप की, वो फिर से वापस आएगी. दोबारा से शुरुआत हो रही है और वो भी इतनी मासूमियत के साथ हो रही है कि यू नो, जहाँ मासूमियत भी है, प्यार भी है, पैशन भी है, एक्साइटमेंट भी है, एंड लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, अब कोई गलती से भी गलती नहीं होगी. एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है अगेन, मुझे दिखा रहा है कि वो आपके पास बस आना चाहते हैं. दिमाग में उनके इतने सारे आइडियाज़ घूम रहे हैं कि वो कैसे आपके पास आए. एंड जैसे कहते हैं ना, आप में से बहुत से लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कोई मैसेज, आपके पास मैसेज भी आ सकता है. डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है. हाई प्रेस्टिस, कनेक्ट विद द मून एनर्जी गाइज. मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं रुकना है. और क्या कहते हैं, आपकी जो भी डिज़ायर है मून एनर्जी से कनेक्ट करिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी. क्योंकि ये रिलेशनशिप में 15-15 डेज के गैप पे मिरेकल्स हो सकते हैं. ऐसा लगता है जैसे मून एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए. सो कनेक्ट विद मून, कनेक्ट विद मून. ओके, लेट्स सी, क्योंकि मून की जो एनर्जी होती है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है. अगर आप मून से कनेक्टेड नहीं है, मून आपका अच्छा नहीं है बर्थ चार्ट में, आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है. तो मून से कनेक्ट करिए, मून चार्ज वाटर बनाइए, क्रिस्टल्स पहनिए, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके आइए. ओके गाइज, एंड जर्नल करिए जितना हो सके. लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है. ग्रैटिट्यूड, सी आप में से बहुत से लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, अपने प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, और इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है. सी डिवाइन फ्लो आपकी तरफ आ रहा है, एंड वो कैसे आएगा, जब आप इस फ्रिक्वेंसी में होंगे, विच इज़ अ ग्रैटिट्यूड, ग्रहणशील होंगे आप, ठीक है. फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेयर आई एवर आई गो. माँ लक्ष्मी है इसके अंदर, आप माँ लक्ष्मी को भी इन्वोक कर सकते हैं अपने इस रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए. माँ लक्ष्मी इज ऑल अबाउट लव, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस. सो आप उनका कोई मंत्रा चांट कर सकते हैं, ठीक है. एंड रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं आप में से बहुत से लोग. एंड माँ लक्ष्मी को कुछ ऑफर करिए, ठीक है. आप में से कुछ लोग अगर फास्ट रख सकते हैं फ्राइडे का, तो गो अहेड, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लोगों के लिए. ग्रैटिट्यूड में रहिए गाइस. लाइफ में हर चीज़ को शुक्राना करना चाहिए. ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, इस सब से बाहर आकर जो है उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, एंड यू विल सी हाउ योर एनर्जी शिफ्ट. लेट्स सी, स्टैंड योर ग्राउंड. ओके, सो रूट चक्रा यहाँ पे लोगों को अगेन ये जो कार्ड है और ये जो कार्ड है, दोनों एक ही बात करते हैं. फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है जैसे लोगों की. आपके लिए कहा जा रहा है, स्टैंडिंग योर ग्राउंड इज एम्पावरिंग. अपनी चीज़ों पर रहना एक एम्पावर करता है अपने आप में ही, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. अगर आप में से बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, तो डेफिनेटली इस
इक्लिप्स के बाद ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा. और अगर आप में से बहुत से लोग फील कर रहे हैं कि यार उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया था बहुत टाइम से एंड उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, अब आपको पता होगा कि अब आपको क्या करना है. एंड गाइज आई नो दैट स्टेज वेयर जब हमें समझ नहीं आ रहा होता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे होते, दैट्स ओके, सबके साथ होता है. आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी होती है, अपने रूट चक्रा पे काम करिए, चक्रा मेडिटेशन करिए, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव पॉजिटिव रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह से आ ही रही है ना. आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है अपने आप को स्ट्रांग रखना एंड डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस इन यू, बिकॉज आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, आप हैं. ठीक है, आप अपनी क्वालिटीज़ को इन्वोक करिए, अपनी क्वालिटीज़ को बाहर निकालिए. ठीक है, अपने अंदर अगर कमियां आपको लगती हैं उस पर काम कीजिए, रेदर देन कि ये क्यों है वो क्यों नहीं है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर गाइडेंस फॉर यू. सी यहाँ पर भी आपके लिए कहा जा रहा है आपकी विल पावर बढ़ रही है, विल पावर और स्ट्रांग हो रही है, अपनी विल पावर पे काम करिए, अपनी इच्छा शक्ति पे. सी मुझे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे ना एक होता है ना इंसान की लॉ होप की आपकी ना बहुत टाइम से ना ऐसा हो रहा है जैसे ना ख़त्म हो रही है, बट नहीं, आपको दोबारा से इन्वोक करना है, उसको दोबारा से जगाना है. ठीक है, उस दोबारा से उठिए, दोबारा से उस विल पावर को और स्ट्रांग करिए, क्योंकि वही आपको रिजल्ट देगा. आप में से बहुत सी यहाँ पे भी रिकंसिलेशन का कार्ड आया है, थर्ड कन्फर्मेशन, तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे मुझे रिकंसिलेशन दिख रही है. आप में से बहुत से लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आप में से बहुत से लोगों को, अब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी. आप में से कुछ लोग अगर कुछ यू नो हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बहुत चीज़ें जैसे ट्रॉमाटाइज हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आप मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर एंड आपके लिए जो ये मैसेज थे ये आपको अपने आप पर काम करना है ताकि आप अलाइनमेंट में आ सकें, बिकॉज यू नो गाइज बहुत चीज़ें बदल रही हैं और पॉजिटिव बदल रही है ना, पॉजिटिव वे. सो आप भी उन्हें उन चीज़ों को ग्रैब करें. और जब भी इस तरीके का कोई ग्रहण आता है तो वो हमारे इमोशंस को हाइटेंड कर देता है, एंड दैट्स फाइन. एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, आप पहचानेंगे तभी उस पर काम करेंगे. तो बेटर है आपने अगर इस बात को पहचान लिया है तो उस पर काम करिए और अपने आप को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, इमोशनली फिजिकली स्पिरिचुअली कनेक्ट करिए अपने आप से, कनेक्ट करिए हायर वाइब्रेशन से. ओके, सो दैट्स इट. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर दिस वीडियोस. थैंक यू.